भाई दो IMAX 4D के टिकट्स बुक करा लिए, आज तो फुल मौज, पहली बार 4D का एक्सपीरियंस लेंगे। मैंने सुना हीरो स्क्रीन में से बाहर आ जा। चल फिर चल। वैसे ये है कौन सी मूवी की? अरे भाई किसी का भाई सबकी जान, सल्लू भाई स्क्रीन से बाहर आएंगे भाई, देख के मत। अगर तुमने कभी मूवी टिकट्स ऑनलाइन बुक करने का ट्राई किया होगा बुक माई शो या फिर PVR से, तो तुमने देखा होगा कि एक ही मूवी के इतने सारे ऑप्शन जैसे कि 2D, 3D, 4D, IMAX 3D, ICE 3D और ScreenX, ये सब चल क्या रहा है? मूवी थिएटर्स में एक ही टाइम पर एक ही मूवी के कई सारे शो चलते रहते हैं, जैसे कि स्क्रीन 1 पर 3D फॉर्मेट चल रहा है और उसी मूवी का स्क्रीन 2 पर IMAX वाला फॉर्मेट चल रहा है। तो ये 3D और IMAX में फर्क क्या है और किस थिएटर में हमें मूवी का बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस मिल सकता है या फिर किस थिएटर हमें मूवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर मिल सकता है, कौन से थिएटर में चारों तरफ स्क्रीन्स होंगी या फिर कौन से थिएटर में नीचे से भूत निकल, नहीं ऐसा नहीं होगा, आई होप ऐसा ना हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ऑनलाइन किसी भी मूवी के टिकट्स बुक करने जाता हूँ और यहाँ पर मुझे मूवीज दिखा रहा है, मैं चूज कर लेता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस 10 एंड अब यहाँ पर मेरे पास सारे फॉर्मेट्स आ गए, जैसे कि 2D, IMAX 4D, IMAX 3D, ScreenX, 4DX, वो भी एक ही मूवी के। अब इसमें से टिकट कौन सा बुक करूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है? और इनके प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि टिकट शुरू हो जाती है 240 से लेके 900 रुपीस तक। तो अगर तुम्हें जानना है कि हर मूवी के इतने सारे फॉर्मेट्स क्यों हैं, तो तुम्हें इन सबको समझना होगा। वीडियो के एंड में तुम्हें मैं भी बता दूंगा कि कौन सा एक्सपीरियंस बेस्ट है, IMAX या 4D, लेकिन फॉर्मेट समझने के बाद तुम भी खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो। तो आइए चलते हैं मूवी थिएटर में यूज होने वाले टेक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टैंडर्ड 2D फॉर्मेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा 2D फॉर्मेट होता क्या है, 2-dimensional मूवी थिएटर्स। और ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है किसी भी थिएटर में यूज होने वाला, जो कि पुराने टाइम के थिएटर से चलता आ रहा है। बट आजकल के लोग 2D में कहां खुश है, उन्हें चाहिए और भी तगड़ा एक्सपीरियंस, तो इसीलिए उनके लिए बनाया गया 3D, 3-dimensional मूवी थिएटर। हाँ ये वही है जहां पर तुम्हें काले रंग के ग्लासेस दे दिए जाते हैं और तुम्हें बैठा दिया जाता है ये बोलकर कि एक्टर तुम्हारे स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, यहाँ तुम्हारे लिख देगा, यहाँ पर तुम्हारे ऑटोग्राफ दे देगा और बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होगा। बट ये कुछ टाइम तक था, 3D में भी लोगों को कुछ ज्यादा मजा नहीं आता है, लेकिन इसके पीछे का टेक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो पोलराइज प्रोजेक्टर को लेके दो इमेज प्रोजेक्ट की जाती है, जिसमें दोनों की पोलराइज डायरेक्शन एक दूसरे से अलग होती है, इसीलिए तुम्हें पीछे खड़ा एक्टर और ज्यादा पीछे लगता है और आगे खड़ा कैरेक्टर और ज्यादा आगे लगता है। और जो तुम्हें ग्लासेस दिए जाते हैं वो भी पोलराइज ग्लासेस होते हैं, नहीं तो तुम्हें उनके बिना कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन मुझे बहुत टाइम से ये जानना है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो ये ग्लासेस अपने चश्मे के ऊपर लगाते हैं या फिर चश्मा हटाकर। उसके बाद आता है IMAX, जिसको कहते हैं हम इमेज मैक्सिमम, और इसी के नाम की तरह यहाँ पर इमेज तुम्हें मैक्सिमम साइज में दिखाई जाती है, 26% लार्जर स्क्रीन देन स्टैंडर्ड स्क्रीन। और ये स्क्रीन थिएटर के ऊपर तक होगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर IMAX स्क्रीन कर्व्ड भी होती है, एंड कोई भी बड़ी मूवी आती है तो तुमने IMAX का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा। यहाँ पर तुम्हें बड़े बड़े ऊपर नीचे ब्लैक बार्स नहीं देखने को मिलते, और भी ज्यादा मूवी में डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और सही बताऊं तो ऐसा होता भी है, क्योंकि IMAX मूवीज को शूट करा जाता है IMAX कैमरा से और उस कैमरा का फॉर्मेट ही ऐसा होता है। और बहुत ज्यादा बड़ी मूवीज या फिर ज्यादा बजट वाली मूवीज IMAX कैमरा से ही रिकॉर्ड होती हैं। और आज के टाइम पे तो IMAX कैमरा से बहुत सारी मूवी शूट होने लगी है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, अवतार 2, एवेंजर्स एंडगेम, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड बहुत सारी मूवीज। एंड IMAX थिएटर में सही में तुम्हें ऊपर नीचे ज्यादा देखने को मिलता है। और इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे पता लगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी में जो रणबीर की माता जी दिखाई है वो दीपिका ही थी, और ये सिर्फ पता लग पाया IMAX थिएटर्स में। यार देखने तो मैं भी गया था लेकिन मुझे ये सीन याद नहीं, बट अब हॉटस्टार पे तुम इस सीन को क्लियरली देख सकते हो। अब ये पता नहीं मेरे याद नहीं है या सही में उस टाइम पर थिएटर्स में नहीं था, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दो कि ऐसा तुमने भी नोटिस किया या फिर मैं मूवी भूल गया। बट वो सब छोड़ो, वापस आ जाते हैं IMAX थिएटर में। यहाँ पर तुम्हारे साथ स्कैम भी हो सकता है, जरूरी नहीं अगर तुमने IMAX टिकट ली है तो तुम्हें वही बड़ी वाली स्क्रीन देखने को मिले। कहीं कहीं पर कुछ थिएटर्स में IMAX दिखा दिया जाता है लेकिन वही वाइड वाली स्क्रीन होती है, बट हमारा पता नहीं क्यों IMAX के नाम पर काट दिया जाता है और लोग इसको IMAX नहीं LIMAX कहते हैं। तो हमेशा IMAX की टिकट करने से पहले उसको अच्छे तरह से चेक कर लें या फिर IMAX 3D के साथ जाएं। उसके बाद आता है Dolby डिजिटल सिनेमा, और ये है अब तक का बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर एनी मूवी। तुम इसमें कोई भी मूवी देख लो जाके, उस मूवी के इमेज प्रोजेक्शन से लेकर उसकी ऑडियो, तब तुम्हें यहाँ पर बेस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 2D और 3D में जो प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं वो होते हैं
हैं 2K, बट यहाँ डॉल्बी में यूज होते हैं डुअल 4K प्रोजेक्टर्स, जहाँ पर मिलती है तुम्हें ज्यादा शार्पनेस इन मूवीज। एंड डुअल प्रोजेक्टर होने का मतलब ज्यादा ब्राइटर इमेज, डीप ब्लैक्स एंड मोर डिटेल्स। डॉल्बी ऑल्सो फीचर HDR, जो कि हमारे आजकल फोन्स और PCs में भी हो गया है, हाई डायनेमिक रेंज। इसका मतलब जहाँ पर ब्लैक होगा वहां पर बिल्कुल ब्लैक होगा, और जहाँ पर ब्राइट होगा वहां पर बिल्कुल क्लियर ब्राइट कलर होगा। और बस यही नहीं, डॉल्बी ऑल्सो है बेटर साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, और मैं हर मूवी में उनका ये एड सुनता सुनता थक चुका हूँ। बाकी थिएटर्स यूज सराउंड स्पीकर्स, जहां पर तुम्हें एक स्पीकर पीछे मिल जाएगा, एक साइड में मिल जाएगा, बट डॉल्बी यूज सुपर सराउंड सिस्टम, जहां पर सिर्फ तुम्हें पीछे ही नहीं पूरे थिएटर के अराउंड स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। तुम्हारी सीट के नीचे से लेके सीट के बेस के नीचे भी स्पीकर्स, और ऊपर सीलिंग्स तक पर स्पीकर्स। और इसकी वजह से तुम्हें मिलता है बेस्ट साउंडिंग एक्सपीरियंस विद गुड बेस। मतलब साउंड और बेस ऐसा होता है कि तुम्हें सीट्स वाइब्रेट होती हुई फील हो रही होती हैं। बट हर सिटी में डॉल्बी सिनेमा मिलना मुश्किल है, बट यहाँ पर तुम्हें मैक्सिमम सिटीज में डॉल्बी एटमोस साउंड सिस्टम मिल जाएगा, जहां पर तुम साउंड का तो एक्सपीरियंस ले ही सकते हो। तो अगर तुम्हारे आसपास डॉल्बी सिनेमाज है तो वहीं जाओ मूवी देखने, मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा। उसके बाद आता है 4DX, 4DX 3D या फिर MX 4D। 4DX वही होता है जहां पर तुम्हें जो भी मूवी में हो रहा है वो तुम्हारी सीट्स पर तुम्हारे साथ भी होगा। जैसे कि अगर तुम्हारा एक्टर बोट चला रहा है तो तुम्हारे ऊपर पानी की छींटे डाली जाएंगी, जिससे तुम्हें वो सब फील हो। मूवी अगर रोलर कोस्टर राइड पर है तो तुम्हारी सीट्स ऊपर नीचे होंगी। अगर तुम्हारा मूवी सीन किसी गटर में शूट हो रहा है तो तुम्हें उस चीज की स्मेल आएगी, और तुम्हारे एक्टर के ऊपर मुक्के और लात जड़े जा रहे हैं तो थिएटर के एम्प्लॉयज तुम्हारे साथ वही बर्ताव करेंगे। बट ऑल जॉक्स असाइड, 4DX का मतलब होता है 4D एक्सपीरियंस, एंड इसमें भी तुम चूज कर सकते हो 4DX या 4DX 3D। बस वहां पर तुम्हें 3D ग्लास और एक्स्ट्रा दे दिए जाए। लास्ट टाइम 4DX 3D में मैंने Shang-Chi देखी थी, और शुरू के आधे घंटे तो मुझे बहुत मजा आया, लेकिन एंड में जाते जाते जहां पर फाइट सीन आता है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमारी सीट्स भी ऊपर जा रही है, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रही है। और अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखने जा रहे हैं तो तुम्हें प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा सर दर्द के लिए, तो एक डिसिप्लिन पहले ही खा के जाए। सही में 4DX एक्सपीरियंस एक बार करने के लिए ठीक है, बट ज्यादा लंबी मूवी में वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, तो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो अगर तुम्हें वो पसंद है तो। बट एक फन फैक्ट बताता हूँ, मूवी आने के बाद एक बंदा बैठता है, मूवी का हर एक सीन सिलेक्ट करता है, और ये देखता है कि इस सीन में मुझे पानी की प्रोग्रामिंग करनी है या फिर हवा की प्रोग्रामिंग करनी है, या सीट्स ऊपर जानी है, सीट्स नीचे जानी है, सारी प्रोग्रामिंग वो ही करता है। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद 2 नई तरह की और स्क्रीन्स आई हैं, जिसको हम कहते हैं IS 3D एंड ScreenX। आइस एंड आइस 3D की हम बात करें तो यहाँ पर आइस का मतलब होता है इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस, और यहाँ पर तुम्हें सामने की स्क्रीन के साथ साथ साइड में भी दोनों तरफ स्क्रीन्स देखने को मिल जाती है। तुम्हारे राइट में भी 5 स्क्रीन पैनल्स होंगे, तुम्हारे लेफ्ट में भी 5 स्क्रीन पैनल्स होंगे। इन दोनों ही तरफ की स्क्रीन्स में कोई भी मूवी प्रोजेक्ट नहीं होती है, बस मूवी में जिस तरह के सीन्स चल रहे होते हैं उन्हीं को ब्लर करके या फिर उन्हीं के कलर्स को यहाँ पर लगाया जाता है, जिससे तुम्हें लगे कि एक बहुत ही अच्छा 3D व्यूइंग एक्सपीरियंस है, बस और कुछ। अब एक्सपीरियंस करने में आई डोंट नो ये कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा, बट अभी के लिए आज थिएटर्स कुछ ही सिटीज में है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। बट हाँ, एक बात है कि आज थिएटर की सीट्स बिल्कुल ही खतरनाक सीट्स, तो वहां पर तुम्हें पूरा कंफर्ट मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट ScreenX। अब आइस और ScreenX ये दोनों ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत कम ही थिएटर्स हैं इन दोनों के। बट ScreenX और आइस में डिफरेंस क्या है, ScreenX में तुम्हें सामने स्क्रीन तो मिल ही जाती है, बट दोनों साइड में भी पैनल्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, और वहां पर भी मूवी प्रोजेक्ट होती है, बट दोनों साइड पैनल्स में मूवी को स्ट्रेच करके प्रोजेक्ट किया जाता है। मतलब कि तुम्हारे सामने 3 स्क्रीन्स तो है, बट तुम्हें मेनली फोकस फ्रंट वाली स्क्रीन पर ही करना है। तीनों तरफ की प्रोजेक्शन की वजह से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी स्क्रीन देख रहे हो, बट साइड वाली स्क्रीन पर वो जो प्रोजेक्शन स्ट्रेच होता है वो थोड़ा देखने में अजीब लगता है। और अब तुम सल्लू भाई से नहीं बच सकते हो, क्योंकि वो तीनों स्क्रीन्स पर आने वाले हैं। तो अभी के लिए ये दोनों ही टेक्नोलॉजी थोड़ी नई है, कम थिएटर्स हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं दोनों। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा था एक्सपीरियंस, मैं पिन कर दूंगा। और अगर मेरी मानो तो व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए तुम जा सकते हो IMAX थिएटर्स में, सही वाले IMAX थिएटर्स, या फिर IMAX 3D के साथ। और अगर तुम चाहते हो ओवरऑल बढ़िया या फिर ऑडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस, तो तुम जा सकते हो डॉल्बी सिनेमाज के साथ, ये दोनों ही बेस्ट है। और अगर तुम चाहते हो हर चीज बेस्ट, एक्सप्लेनेशन से लेकर एडिटिंग से लेकर ऑडियो साउंड सब कुछ, तो तुम एक नीचे लाल बटन जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हाँ, आज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और पाएं एक फ्री मूवी टिकट आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। प्लीज बेल आइकन को ऑल पे कर दें।